और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए, हालांकि जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर और ध्रुव को बरी किया गया है। 7 आरोपी बरी किए गए हैं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। रांची की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी है, दोषी करार दिया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। तो जिस तरीके की उम्मीदें लालू प्रसाद यादव को थी अदालत के इस फैसले से, एक बड़ा झटका लालू यादव को। बिल्कुल, तो इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मौजूद है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि लालू यादव को उम्मीद ये थी कि अदालत से उनको राहत मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो फैसला आया है वो लालू यादव के पक्ष में नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो दोषी करार दिए गए हैं चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में, जिसमें 85 से 90 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए थे अनुमति के बिना। 20 साल से ये मामला अदालतों में चलता रहा, लगातार अलग अलग मामले सामने आते रहे। विद्यासागर निषाद समेत 7 लोगों को रिहा किया गया और लालू यादव समेत बाकी लोगों को दोषी करार दिया गया और इनको 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। हाँ, आज वो कस्टडी में चले जाएंगे, सजा 3 को। तो आपने सुना अधिवक्ता को, वो बता रहे हैं कि 22 आरोपी कुल थे, जिसमें से 7 आरोपी को बरी किया गया है, यानी 15 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। और इन 15 आरोपियों में से एक नाम, या कहें सबसे बड़ा नाम, लालू प्रसाद यादव का है, क्योंकि जिन 7 आरोपियों को राहत मिली है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम भी शामिल है। 3 जनवरी को सजा का ऐलान होगा और उसके बाद पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के इस मामले में कुल कितनी सजा सुनाई गई है।